प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार को डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हुई है। इस दौरान एसीपी कोतवाली जमीन पर गिर पड़े। बवाल बढ़ता देख ज्वाइंट पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी भी मौके पर पहुंचे। कॉलेज में 10 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देखो बीजेपी की युवा इकाई एबीवीपी का बवाल, सत्ता के दंभ में एसीपी तक का लिहाज नहीं करते हैं। बता दें कि डीएवी कॉलेज में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रिंसिपल का पुतला दहन करने का भी तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया तो दोनों में झड़प हो गई। छात्रों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की के दौरान एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार जमीन पर गिर पड़े। धक्का मुक्की के बीच एबीवीपी के छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला फूंक दिया। मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए तमाम वीडियो फुटेजेज हैं, वीडियो फीड हैं, जिसको एक एक करके हमने देखा है, लार्ज स्क्रीन पे करके देखा है, स्लो मोशन में देखा है। जो गिरने की बात है अधिकारी के, वो डेफिनेटली वो गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं उल्टा, और उल्टा पीछे की तरफ बढ़ने से किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है, और वहाँ पर वह स्वतः, चूँकि ये जो सरफेस है वो भी इवन ऑड है, पैर वहाँ पे ऊपर नीचे होता है और वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पे किसी का इंटेंशनल कोई भी ऐसा सिम्टम कि किसी ने धक्का दिया हो, किसी ने हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो प्रथम दृष्टया लार्ज स्क्रीन पर अलग अलग सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए फीड को देखने से नहीं पाया जाता है। फिर भी हमारे एडिशनल डीसीपी लाखन सिंह यादव हैं, इनको हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस पूरे प्रकरण को एग्जामिन करने के लिए दे रहे हैं।